हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवल एजेंसी। और आज हम जा रहे हैं रावणधरा वाटरफॉल। आप देख सकते हैं बीच रास्ते में है, अभी हम पूरा जगह पर पहुंचे नहीं, पहुंचने वाले हैं, बस 2-3 किलोमीटर ही पीछे हैं हम, रास्ता भटक गए थे और गूगल के ऊपर भरोसा करके हम जाएंगे तो एक्चुअली गूगल हमको पागल कर देगा, वो हमेशा सही नहीं रहता। आप देखेंगे 100% गूगल के ऊपर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, 90% कर सकते हैं, बाकी 10% ना खुद का आइडिया लगाना चाहिए। बसते बसाते खुद का आइडिया लगाते हम चल रहे हैं अभी रावणधरा वाटरफॉल, रास्ते में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर नज़ारे, सुंदर रास्ते देखकर पहाड़ी जंगल में से गुजर के आगे चलते हैं रावणधरा वाटरफॉल। तो आइए एक नज़र अब मैप में डालते हैं यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, और ये भी जानते हैं मैंने ये क्यों कहा कि गूगल आपको पागल कर देगा अगर आप उस पर 100% डिपेंड करते हैं। तो चलिए मैं पहले रावणधरा वाटरफॉल टाइप करता हूँ यहाँ पे और नेविगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्लेस यहाँ पे दिखा दिया, अब देखते हैं ये कौन सा रूट हमको दिखाता है। ये रहा भवानीपाटना टाउन और वहाँ से ये देखिए कौन सा रास्ता इसने हमको दिखाया। देखिए कुछ दूर तक ये मेन रोड से आया और वहाँ से एक राइट टर्न लिया अंदर जाने के लिए। एक छोटा सा डैम है वहाँ पे और उसके साइड से इसने हमको नेविगेट किया और वहाँ से इस पहाड़ को कूद के जाने के लिए ये दिखा रहा है आपको। तो लिटरली यहाँ इस रास्ते पे आएंगे तो आपको कूद के जाना पड़ेगा या फिर उड़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये सही रास्ता नहीं है यहाँ पे पहुँचने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ सही जगह पे कैसे पहुँचेंगे। ये राइट टर्न आपको नहीं लेना है, यहाँ से आपको सीधा जाना है। फिर थोड़े दूर बाद एक जंक्शन आएगा, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है इस जगह से। फिर सीधा उस रोड को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे, वहाँ भी मैप में दिखाएगा रावणधरा वाटरफॉल। और कोई टर्न नहीं है रास्ते में, कोई भी रास्ता दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, इजी है। सीधा फॉलो करते हुए आप आगे जाएंगे तो वो आ जाएगा रावणधरा वाटरफॉल। और ये रहा वो जगह जहाँ पे एक बड़ा सा पार्किंग प्लेस है और 2-3 गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे, आप देख सकते हैं मैप से भी। तो यही है वो एग्जैक्ट प्लेस। फिर यहाँ से एक और रास्ता गया है ऊपर की तरफ, वो भी सिंगल रास्ता है, वहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं गया है। आखिर तक जाएंगे तो वो रहा बड़ा रावणधरा वाटरफॉल। और ये यहाँ ये रास्ता यहाँ का एंड है, यहाँ से कोई आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो बेसिकली ये सही रास्ता है भवानीपाटना टाउन से यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गूगल के ऊपर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा खुद का भी आइडिया लगा लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे झंझट में फंस सकते हैं। रोड कंडीशन अच्छे हैं, ज़्यादा बुरा या फिर ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, फिर भी आप कार हो या बाइक हो आराम से आ सकते हैं। अप टू सान रावणधरा वाटरफॉल, जो कि छोटा रावणधरा वाटरफॉल है, वहाँ तक तो रास्ता ठीक ठाक है। फिर वहाँ से जो बड़ा रावणधरा वाटरफॉल है वहाँ तक बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है रास्ता, मतलब बहुत सारे मेटल पत्थर निकल आ चुके हैं रोड से, बाइक से आएंगे तो स्लिप भी करेगा, थोड़ा देख के जाना पड़ेगा संभल के। लेकिन SUVs होगा या फिर बड़े बड़े कार्स होंगे तो वो आराम से क्रॉस करके जा सकते हैं। और क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो आई होप ये रोड भी जल्दी से दोबारा से ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ इस वाटरफॉल्स के लिए ही बनाया गया है, ये किसी गाँव को कनेक्टेड नहीं है। तो जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इवन वर्किंग डेज पे आप जाएंगे तभी भी बहुत सारे टूरिस्ट पाएंगे आप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई हॉलीडे हो या फिर पिकनिक सीजन हो, ऑफ सीजन भी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब पीक टाइम होता है पिकनिक सीजन, जैसे कि न्यू ईयर हो गया, दशहरा हॉलीडेज हो गया, तो उस टाइम पे कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते होंगे। और क्योंकि एक ही रास्ते पे दो दो वाटरफॉल्स आता है यहाँ पे, और रास्ते में जो ब्रिजेस हैं वहाँ पे भी अच्छे अच्छे जगह मिलेंगे आपको, वो ब्रिजेस के नीचे आप उतर के पिकनिक मना सकते हैं। और ये रहा वो मेन प्लेस, मतलब छोटा रावणधरा वाटरफॉल।
देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। और वहाँ पे शायद एक छोटा सा कैब भी है, हमने नोटिस किया, लेकिन रास्ते इतने ख़राब थे और हमें दूसरा वाटरफॉल को भी जाना था, इसलिए हम वहाँ तक नहीं गए इस बार। और जैसा कि देख सकते हैं, पिकनिक पे आते हैं यहाँ पे लोग, कुकिंग वगैरह करके खाना पीना करके भी जाते हैं। और एक छोटा सा मूर्ति भी है, शायद पूजा भी करते हैं यहाँ पे। और जगह भी थोड़ा नीट एंड क्लीन लगा कंपैरेटिवली, जितने भी हमने पिछली वीडियोस में दिखाए हैं आपको। लोग पिकनिक पे जाते हैं और कचरा करके चले आते हैं, यहाँ पे इतना सारा कचरा तो नहीं था। मुझे लगता है साफ सफाई किया जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है। भाई देखा आपने, पहले तो उस जगह पे हमने शूटिंग किया, वो था सान रावणधरा, यानी कि छोटा रावणधरा। अब ये बड़ा रावणधरा वाटरफॉल है, आइए इसके अंदर भी चलते हैं, शूटिंग करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, एक्सप्लोर करते हैं प्लेस थोड़ा। यहाँ से रास्ता है और यहाँ पे रोड एंडिंग है, मतलब आगे कोई जाने के लिए रास्ता नहीं है। उधर देखिए, यहाँ से नीचे जाएंगे तो वाटरफॉल की ओर जा सकते हैं। नीचे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी है, हालांकि इनको भी थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। दोनों साइड जैसे कि देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स हो गए हैं, घास फूस हो गया है, रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको थोड़ा साफ सफाई करके मेंटेन करना चाहिए इसको। अभी सीढ़ी सिर्फ यहाँ तक ही है, यहाँ से साइड से आप वाटरफॉल की व्यू ले सकते हैं, लेकिन इससे अगर आगे आप जाना चाहे तो रास्ता सेफ नहीं, यानी कि प्रॉपर वे नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, आपको कई सारे पत्थरों के ऊपर से जंप करके आगे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से लेडीज़ लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है, या फिर उनके लिए तो नामुमकिन भी है। अभी इतना पानी नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब थोड़ा बारिश का मौसम होगा तब ज़रा इमेजिन कीजिए कैसा सीन होगा यहाँ पे। पानी भी साफ सुथरा था, उतने कीचड़ या फिर मड्डी नहीं था। ये नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और घने जंगल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोग नहीं है, अभी खाली है ये जगह, क्योंकि हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए थे इसलिए कोई नहीं है। लेकिन हम जब रिटर्न कर रहे थे यहाँ से, तब तक बहुत सारे टूरिस्ट्स यहाँ पे आ चुके थे, इवन कुकिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखा फ्रेंड्स, ये था बड़ रावणधरा वाटरफॉल, यानी कि बड़ा रावणधरा वाटरफॉल। नीचे जो देखा वो सान रावणधरा, यानी कि छोटा रावणधरा वाटरफॉल था। और ये वाटरफॉल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ड्रोन शॉट भी हमने ले लिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।